महिला द्वारा चाय में जहरीला पदार्थ देने से एक मासूम बच्चे की गई जान, पांच लोगों की हालत गंभीर। नमस्कार, यूएफटी न्यूज 24 में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। जनपद बहराइच के थाना कोतवाली देहात अंतर्गत ग्राम पंचायत मच्छियाही समय करीब 8:30 बजे अंकिता पत्नी पूरन द्वारा अपने ससुर पंचम जायसवाल, पुत्र रामफल उम्र 50 वर्ष, देवर जितेंद्र जायसवाल पुत्र पंचम उर्फ उम्र 22 वर्ष, भतीजी सृष्टि पुत्री धर्मेंद्र जायसवाल उम्र 3 वर्ष, मौसेरी ननद शिवानी पुत्री ओंकार जायसवाल उम्र 10 वर्ष निवासिनी गोबरहा थाना रानीपुर जनपद बहराइच, ननद का लड़का रुद्रांश पुत्र राजेश जायसवाल उम्र 1.5 वर्ष निवासी कमोलिया थाना को देहात जनपद बहराइच को चाय में विषाक्त पदार्थ मिलाकर दे दिया। चाय पीने के उपरांत उपरोक्त पांचों लोगों की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें इलाज के लिए उनके परिजन जिला चिकित्सालय बहराइच लेकर गए, जहां इलाज के दौरान रुद्रांश की मौत हो गई। अन्य चारों लोगों का इलाज जिला अस्पताल बहराइच में चल रहा है। सूचना मिलने पर थाना स्थानीय पुलिस घटनास्थल ग्राम मछियाही पहुंची, जहां से आरोपी महिला अंकिता पत्नी पूरन को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के दौरान प्रथम दृष्टया ज्ञात हुआ कि महिला की शादी दिसंबर 2020 में पूरन पुत्र पंचम जायसवाल के साथ हुई थी। महिला अंकिता अपने पति के साथ ससुराल में नहीं रहना चाहती है। 22 अगस्त को अंकिता अपने मायके से अपने ससुराल आई थी और अपने साथ विषाक्त पदार्थ लेकर आई थी, जिसे आज चाय में मिलाकर उपरोक्त पांचों लोगों को पिला दिया। प्रकरण में पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। जितेंद्र कुमार, कहाँ के रहने वाले हो? अच्छा, क्या हुआ, तुम लोगों ने क्या पी लिया है? कुछ पता नहीं चल रहा है क्या है। चाय पिए थे, चाय में मतलब चक्कर आने लगा पीने के बाद। जो जो लोग चाय पिए थे सबको चक्कर, जो नहीं पिए थे उसको नहीं। अच्छा, कब पिया था? करीब आधा घंटा। तो किसने बनाई थी चाय? अच्छा, तो कितने बच्चे पिए थे? बच्चे और कितने आदमी? चार बच्चे थे ना, चार बच्चे थे पिए थे। यूएफटी न्यूज 24 के लिए राहुल वर्मा की रिपोर्ट।